गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग सब? आज वंस अगेन आए हैं सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट पार्ट 5 लेकर के। ठीक है, जैसा कि लास्ट क्लास में हम पार्ट 4 तक में क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 12 का कंप्लीट किए थे, और आज 13 से आगे देखेंगे। ठीक है, देखेंगे रूल नंबर 13 क्या कहता है सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। क्या कह रहा है कि इन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज, कोई भी सेंटेंस का अगर जो उसका सब्जेक्ट कैसा होता है, लाइक ऐसे नाउन प्रीपोजिशन प्लस नाउन, नाउन रहेगा पहले, बीच में प्रीपोजिशन रहेगा, फिर नाउन रहेगा, उसके बाद एक चीज और क्या लिखा, एंड बोथ नाउन्स आर। ठीक है, बोथ नाउन्स आर सेम, दोनों नाउन, जो ये नाउन रहेगा और ये नाउन, अगर यहाँ राम है तो यहाँ भी राम, यहाँ मोहन है यहाँ मोहन, दोनों नाउन जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, देन तो सिमिलर वर्ब इज यूज्ड। वर्ब क्या होगा, सिमिलर। एग्जांपल देखते हैं, क्या लिखे हैं, मैन आफ्टर मैन, अब बताना ये मेरा नाउन है, ये मेरा नाउन है, ये दोनों नाउन सेम है कि नहीं, क्या क्या कह रहा, बोथ नाउन्स आर सेम, दोनों नाउन सेम होना चाहिए, ये दोनों नाउन सेम है, बीच में क्या है, ये मेरा प्रीपोजिशन है ना, तो वर्ब जो होता है वो क्या होता है, सिमिलर यूज होता है, बताना वर्ब यहाँ पे हैज और हैव लगा है, दो वर्ब लिखे हैं, तो हैज होगा या हैव, यहाँ पे मेरा हो जाएगा हैज ना कि हैव, ये है गलत है, क्योंकि भाव क्या कह रहा है, सिंगुलर कह रहा है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, जैसे डे आफ्टर डे हैज या हैव पास्ड, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, उसी तरह यहाँ प्रीपोजिशन है, ये नाउन है, नाउन है, तो ये मेरा जो भाव होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, मतलब हैज होगा ना कि हैव। तो ये रूल नंबर कितना था, 13। ये क्वेश्चन समझ में सब कुछ समझ में आ जाएगा, अगर तो नाउन प्रीपोजिशन नाउन तीन रहेगा, बीच प्रीपोजिशन रहता है नाउन, और जो ये दोनों जो नाउन है, ये नाउन और ये नाउन, वो दोनों क्या रहेगा, दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, तो जो वर्ब होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, जैसे यहाँ मैन आफ्टर मैन, मैन आफ्टर मैन हैज कम, मतलब आदमी पर आदमी क्या है, यहाँ आया, कम हियर, अगर मान लीजिए हियर लिखेंगे तो यहाँ आया। ठीक है, आया, डे आफ्टर डे हैज हैव पास्ड, तो डे आफ्टर डे हैज पास्ड, मतलब दिन पर दिन बीत गए, है ना, बीत गए, तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब रूल नंबर हम लोग लिखेंगे 14, देखते हैं 14 क्या रहे है। तो अभी हम लोग रूल नंबर 14 देखेंगे, इस रूल को थोड़ा सा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, समझना भी है। ठीक है, इसके यूजेज भी बहुत ज्यादा है। क्या कह रहा है, इफ इन अ सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस में क्या कह रहा है, क्या रहता है सब्जेक्ट ग्रुप में, अ लॉट ऑफ मतलब बहुत होता है, लॉट्स ऑफ मतलब इसका बहुत होता है, प्लेंटी ऑफ इसका मतलब भी बहुत होता है। ठीक है, हाफ ऑफ मतलब आधा होता है इसका, मोस्ट ऑफ अधिकांश इसको कहते हैं, सम ऑफ का कुछ मतलब लगभग इसे कहते हैं, टू थर्ड ऑफ मतलब का दो तिहाई जिसको कहते हैं, ऑल ऑफ मतलब का सब, पार्ट्स ऑफ का भाग, जिसे पार्ट ऑफ जिसे एप्पल ऐसे कुछ कहते हैं ना, तो इस तरह का अगर जो कुछ वर्ड्स रहा नाउन सेंटेंस के सब्जेक्ट ग्रुप में। ठीक है, तो एक चीज ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब इज यूज्ड, प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब होगा पहला, एंड और जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन रहेगा और सिंगुलर वर्ब रहेगा। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा होगा, एग्जाम्पल लिखिए अ लॉट ऑफ, ठीक है, एग्जाम्पल अ लॉट ऑफ, तो अ लॉट ऑफ तो है, ठीक है, एप्पल होगा एप्पल्स, आप बताना एक चीज, जो ये एप्पल है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, मतलब इसको गिन सकते कि नहीं गिन सकते, तो सेब को गिन सकते हैं, तो जब काउंटेबल रहेगा तो क्या रहेगा नाउन, वो प्लूरल, जैसे काउंटेबल नाउन जो रहेगा, देखो प्लूरल काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है तो ये प्लूरल होना चाहिए, आप बताना है एप्पल और एप्पल्स कौन प्लूरल है, प्लूरल है मेरा एप्पल्स, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। उसके बाद वर्ब जो कह रहा है वो क्या होगा, प्लूरल वर्ब इज यूज, और वर्ब जो होगा वो प्लूरल वर्ब होगा, तो इसमें हम लिखे हैं इज और आर, तो क्या होगा प्लूरल वर्ब, क्या यहाँ पे आर होगा ना कि इज। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है, सेम एग्जाम्पल लिखते हैं, लॉट्स ऑफ मिल्क या मिल्क्स इज या आर नीडेड फॉर अस। अच्छा एक बार बता, हम इसमें से एक चीज गलत लिखे हैं, ठीक है, ऐसे हम लिखे लेकिन गलत लिखे, पहले बता दिए क्यों गलत लिखे, बताते हैं, लॉट ऑफ लगा हुआ, लॉट ऑफ है इसमें, ठीक है, आप कह रहे हैं कि मिल्क होगा या मिल्क, सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है कि कोई भी अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग उसमें एस या एस लगा करके प्लूरल कभी नहीं बना सकते, वैसा प्लूरल बनता नहीं, जैसे दूध, दूध क्या है इसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं क्या, लिक्विड चीजें नहीं गिन सकते, सबसे पहले कि तुम्हारा मिल्क तो होगा ही नहीं, ये तो यहाँ जो एस है ये तो पूरा गलत है, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया,
और कह रहा है कि लॉट ऑफ ये सारे वर्ड्स के साथ अगर जो कोई अनकाउंटेबल नाउन रहता है जिससे मिल अनकाउंटेबल नाउन हो गया तो वर्ब जो होगा उसके साथ क्या होगा सिंगुलर होगा और लेकिन यहाँ पे जो होगा मेरा इज होगा ना कि आर होगा। समझ में आ रहा है? ये लॉट्स ऑफ मिल्क इज नीडेड फॉर अस, मतलब बहुत सारे दूध जो है वो हम लोग को क्या जरूरत है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है? प्लेंटी ऑफ द स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, ठीक है? उसके बाद हैज या हैव कम, अब बताना। प्लेंटी ऑफ के बाद नाउन मेरा क्या है कॉन्टेबल है, तो नाउन क्या हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट ना कि ये, ठीक है? और जो वर्ब होगा वो भी क्या हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा हैव ना कि है, ठीक है? तो अभी ये रूल नंबर 13, रूल नंबर 14 अभी हम लोग देखें, उसके बाद नेक्स्ट रूल अभी 15 हम लोग देखते हैं क्या है, ठीक है? ओके, अभी रूल नंबर हम लोग 13 देख लिए थे, अभी 14 में देख रहे हैं क्या है, ठीक है? सिंपल सा रूल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूल क्या कह रहा है, आफ्टर मोर देन वन, ये इनवर्टेड कॉमा रखे हैं, मतलब मेन चीज यही है, अगर जिस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट के रूप में मोर देन वन रहेगा तो सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड, यानी कि नाउन जो होगा सिंगुलर होगा वर्ब भी सिंगुलर होगा, लेकिन आफ्टर मोर देन 2, 3, 4 जैसे कि बोलते हैं मोर देन 3, मोर देन 5, मोर देन 6 है ना, तो उसके बाद जो होगा वो प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब इज यूज्ड, यानी कि नाउन जो होगा क्या होगा प्लूरल होगा वर्ब भी क्या होगा प्लूरल। जैसे एग्जांपल में यहां लिखे हैं, पहले क्या लिखे कि मोर देन वन बॉय या बॉयज, सबसे पहले यहाँ क्या रहेगा मोर देन वन, तो जब मोर देन वन रहेगा तो सिंगुलर नाउन रहेगा और सिंगुलर वर्ब भी, तो नाउन यहाँ बॉयज और बॉयज है तो सिंगुलर कौन है सिंगुलर बॉय है, ये गलत हो जाएगा सिंगुलर होगा, और वर्ब भी क्या कह रहा है वर्ब भी सिंगुलर होगा सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर वर्ब कम या कम्स, तो ये मेरा कम्स सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ठीक है? ये सब चीज बेसिक हम पहले क्लास में बताए थे। उसके बाद बट के बाद क्या कह रहा है, आफ्टर मोर देन 2, 3, 4, अगर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा कुछ भी रहा तो प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब यूज होगा, ठीक है? प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब, तो मोर देन 5 आप गर्ल्स होगा या गर्ल्स, गर्ल या गर्ल्स, तो ये प्लूरल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये हो जाएगा ये गलत, और वर्ब पे क्या होगा वर्ब भी कह रहा है यहाँ पे प्लूरल वर्ब होगा, यानी कि यहाँ पे आर होगा ना कि इज, ठीक है? एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? जैसे मोर देन 3 मिनिस्टर या मिनिस्टर हैज या हैव कम, हम लिखे एक सेंटेंस मोर देन 3 यानी तीन से अधिक, तो मिनिस्टर या मिनिस्टर्स तीन यानी कि तीन से है यानी कि प्लूरल है, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा मिनिस्टर्स प्लूरल हो जाएगा, ये नहीं, और यहाँ प्लूरल हो जाएगा ऐसे नहीं, ठीक है? आप लोग ऐसे इसको बनाइएगा और इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है? रूल नंबर वो देखेंगे अभी 15, ठीक है? ये भी सिंपल सा साधारण सा थोड़ा सा, हालांकि ये सब चीज़ यूजेज नहीं होता लेकिन जानना तो है ना, जानना पड़ेगा। देखते क्या होता है, क्या लिखा है कि आफ्टर मोर सेंटेंस जो तुम्हारा मोर रहेगा प्लूरल नाउन लगेगा, ठीक है? आफ्टर मोर मतलब प्लूरल नाउन लगेगा, ठीक है? एंड आफ्टर देन वन यानी कि मोर उसके बाद प्लूरल नाउन रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा देन वन रहेगा, उसके बाद जो तुम्हारा लगेगा क्या रहेगा प्लूरल वर्ब रहेगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा। जैसे मोर लगा हुआ है एग्जाम्पल में, तो मोर पेन या पेंस, मोर के बाद क्या कह रहा है प्लूरल नाउन, तो मेरा पेंस हो जाएगा ना कि पेन। उसके बाद आफ्टर देन वन, देखो देन वन यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में एग्जाम्पल में, उसके बाद क्या रहा है प्लूरल वर्ब यानी कि हैज या हैव, तो यहाँ हो जाएगा हैव ना कि है, मतलब मोर पेंस देन वन हैव बीन स्टॉलन, मतलब कि एक कलम के अपेक्षा बहुत ज्यादा कलम क्या हो गया चोरी हो गया है, चोरी कर लिया गया है। तो ये कुछ इस तरह के एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग लिखते हैं मोर एलिफेंट या एलिफेंट या एलिफेंट इज सॉरी देन वन इज या आर मैन। अभी हम एक सेंटेंस लिखे मोर एलिफेंट या एलिफेंट एलिफेंट देन वन इज या आर मैन, तो हम क्या बोले कि नाउन जो होगा मोर के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, यानी कि यहाँ पे एलिफेंट्स हो जाएगा यानी कि एलिफेंट, और देन वन के बाद जो वर्ब आएगा वो भी क्या होगा प्लूरल होगा यानी कि आर ना कि इज, मतलब मोर एलिफेंट्स देन वन आर मैड, मतलब कि क्या कहते हैं एक से अधिक हाथियां जो है वो सब क्या है पागल हो गए हैं, ठीक है? तो ये मेरा कुछ
15 तक था अभी, उसके बाद देखते हैं कुछ अभी और है तो हम बताते हैं, ठीक है एक मिनट। ओके एक और अभी देखते हैं रूल नंबर 16, ठीक है क्या कह रहा रूल, इसमें से हम लोग देखेंगे। कह रहा आफ्टर मेनी या मेनी एन, ये और एन दोनों होता है, तो मेनी ये भी हो सकता है एन हो सकता है, डिपेंड करता है नाउन वहाँ पे जो है वो आर्टिकल में क्या आता है, मतलब वोवेल या कंसोनेंट किसके साथ आता है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो कह रहा मेनी या मेनी एन, अगर ये दोनों कुछ रहा तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा सबसे पहला, एन सिंगुलर वर्ब। अच्छा एक चीज यहाँ कन्फ्यूजन क्या करेगा दिमाग थोड़ा सा ये करने के लिए, यहाँ पे मेनी मेनी मतलब ज्यादा मतलब क्या होता है बहुत होता है ना, तो शायद हम लोग पुनर बढ़ बढ़ देंगे, लेकिन नहीं समझना है कि मेनी के बाद क्या लगा हुआ है ये और यहाँ एन लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं चीज सिंगुलर चीज को दिखाते हैं, इसलिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा और सिंगुलर वर्ब। जैसे मेनी ए काउ या काउज होगा, तो मेनी ए के बाद सिंगुलर नाउन यानी कि यहाँ काउ होगा ना कि काउज, और सिंगुलर वर्ब इज होगा ना कि आर। एक और देखते हैं, ठीक है मेनी एन ऑक्स या ऑक्सन, हैज या हैव बीन बाउड, एक क्वेश्चन लिखे यहाँ पे मेनी एन ऑक्स या ऑक्सन हैज हैव बीन बाउड, मतलब खरीदा गया बहुत सारे बहुत में से ये जिसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेनी एन लगा हुआ है सिंगुलर सिंगुलर नाउन होगा यानी कि ऑक्स होगा ना कि ऑक्सन, और सिंगुलर वर्ब होगा हैज होगा ना कि हैव, ठीक है। तो ये मेरा कुछ था 16 था, अभी कम से कम 3 वीडियो और बनेगा मेरा, उसके बाद 3 एटलीस्ट 3 या 2 उसके बाद देखेंगे, ठीक है। जैसे लास्ट में बोले थे आज का क्या करेंगे प्रैक्टिस करवाएंगे, लेकिन आज कुछ और पढ़ा दिए, कल का जो सेशन रहेगा वो प्रैक्टिस कर रहेगा, ठीक है। आई होप ये सब ये जो भी पढ़ा आप सबको पसंद आया होगा, और प्रैक्टिस कीजिए घर में मेहनत कीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ कुछ नया लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।